पूछिए कौन सवाल पूछने वाले हैं, क्या सवाल है बताइए। सर आज हमारा मिशन हमार बनारस का फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया है और उसका म्यूजिक और सारा सपोर्ट आपकी तरफ से उनको मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, जो फिल्म है ना हमारा मिशन हमारा बनारस, मिशन बनारस, ये फिल्म का जब टाइटल सबसे पहले मैंने सुना तो मुझे लगा कि इस फिल्म को हमारी कंपनी को लेना ही चाहिए। और उसके बाद में कुछ लुक्स देखे मैंने, इसके गाने वाने सुने, इसका प्रोमो देखा, तो इन लोगों ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ये लोग मेहनत करते रहे, इस तरीके की फिल्म बनाते रहे ताकि हमारी कंपनी को भी सपोर्ट मिलता रहे। अच्छी फिल्में जब तक नहीं होगी तब तक हम अपनी कंपनी कैसे चलाएँगे। और इसमें खासियत इस फिल्म के साथ है, इस फिल्म को मैं बहुत लक्की मानता हूँ कि ये फिल्म वो है जिस फिल्म के जरिए हमारा और वेव म्यूज़िक का टाई अप हुआ। तो ये फिल्म हमारे दोनों चैनल पे, वेब पे भी और आदिशक्ति ऑडियो पे भी साइमल्टेनियसली रिलीज हो रही है और मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी जाए ताकि ये जो प्रोड्यूसर है, ये यूनिट है, ये दूसरी फिल्म बनाए जल्दी से जल्दी और वापस हमारे पास आए ताकि मैं इनके राइट्स फिर से ले सकूं और ऐसे ही प्रमोट कर सकूं। सर फिल्म के बारे में बात की, आपने देखा होगा कुछ गाने या प्रोमो जो भी, तो क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर के? देखिए एक नया पन है, फिल्म का जो टाइटल है वो मिशन की बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे? हीरो के लिए आप क्या सुनना चाहते हैं? हीरो है जो अपने आप में वो हीरो है, बहुत अच्छा काम किया है उसने। और देखिए क्या होता है, मैं चाहूँगा उस हीरो को साइन करूँ इस टीम के साथ में, मैं खुद एज प्रोड्यूसर काम करूँ, जरूर करूँगा। इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, आर्टिस्टों को देते हैं, म्यूज़िक कंपनी को देते हैं, स्टूडियोज़ को देते हैं, तो बहुत अच्छे। और मेरी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ में, बहुत अच्छा काम करेंगे ये लोग। अपनी कंपनी को लेकर क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो एक मसीहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए? देखिए मसीहा तो हम नहीं हैं, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं जब से काम कर रहा हूँ, काफ़ी फिल्में हो गई हैं, अब तो थोड़ा गिनना भी बंद कर दिया हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश ज़रूर किया हूँ कि कोई ना कोई मैं नया प्रोजेक्ट, नए आर्टिस्ट, नए ढंग का सब्जेक्ट। अभी मैंने एक फिल्म ली है थोड़े दिन पहले, अजय श्रीवास्तव अभी अब शायद निकल गए, उस फिल्म का नाम है सुहागरात। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सब्जेक्ट है। अगर वो फिल्म निकल गई ना तो वो एक नए ढंग की फिल्म वो लोग बना रहे हैं, तो मुझे जब भी मालूम पड़ता है कि इस टाइप की फिल्म है, इस टाइप का कोई सब्जेक्ट है, तो मैं उस सब्जेक्ट को ज़रूर सपोर्ट करता हूँ और मैं शुरू से करता आया हूँ। मुझे लगता है कि शायद मेरी पहली फिल्म होगी, मेरी पहली कंपनी है जिसने नए चेहरों को ले कर, नए लोगों को ले कर मैक्सिमम काम किया है। नहीं तो बाकी लोग तो वही चले जा रहे हैं जो तथाकथित चल रहे हैं, बस उसी को लेकर काम करते हैं। सर एक एक्स्ट्रा सवाल जहन में आ गया है कि जैसे जब जो आज मार्केट में एक नाम नेम फेम बन गया, जब उनका कोई नाम नहीं था, कोई उनको सहारा नहीं दे रहा था, उस टाइम पे आप उनके पास वो आते हैं और आप उनको खुले दिल से सपोर्ट करते थे, आज ये ऊंचाई प्रदान करने के बाद आपसे अलग हो गए, और क्या कहना चाहेंगे? नहीं मेरे से कोई अलग नहीं हुआ है। ये सबसे मजेदार बात क्या है मालूम है कि मैं हर एक आर्टिस्ट की ना दो दर्जन से ज़्यादा फिल्में किया हूँ। दिनेश जी के साथ में अगर मैंने फिल्म की थी, पहली फिल्म थी, मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम, चलत मुसाफिर मोहलियोरे, क्या नाम था उनके प्रोड्यूसर साहब का, बड़े अच्छे, मैं बड़ी इज्जत करता था उनको, जिन्होंने ससुरा बड़ा पैसे वाला बनाया था, सुधाकर जी उनकी फिल्म थी। और वहाँ से लेकर मेरा दिनेश के साथ जो सफ़र शुरू हुआ था, अभी गबरू भी मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है ना, उनकी होम प्रोडक्शन की, तो वो कोई भी छोड़ के नहीं गए हैं और नहीं हम उनको छोड़ के अलग हुए हैं। मैं खेसारी जी की फिल्म अभी भी कर रहा हूँ, मेरी जंग, शायद आप लोगों ने उसका इंटरव्यू लिया हुआ है, खेसारी की कर रहा हूँ। पवन सिंह की सारी फिल्में कर रहा हूँ, चिंटू की दर्जन भर फिल्में कर रहा हूँ, गोलू की कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि ये एक कारवा है, ये जो हमारे साथ जुड़े हैं या जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ वो वैसे ही सफ़र कर रहे हैं, नए लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, कंपनी बड़ी होती चली जा रही है। जो मैं पहले करता था, इस अगर मैंने साल में 4 की थी तो आज 14 करता हूँ। हम सिर्फ पहले फाइनेंस करते थे, उसके बाद मैं प्रोडक्शन शुरू किया, पहले एक्चुअली प्रोडक्शन शुरू किया था, उसके बाद फाइनेंस किया, उसके बाद में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, उसके बाद में मैंने राइट्स लेने शुरू किए,
तो सारे आर्टिस्ट जो है ना वो हमारे एक परिवार की तरह ज्वाइंट फैमिली है, जिसमें जो आज बहुत बड़े स्टार हो चुके हैं वो हमारे साथ वही भाई वही बेटा वही चाचा भतीजे वाला रिलेशन है। और उसी देखिए अभी इतनी बड़ी फिल्म है गबरू, मेरे पास ही है, तो वो दिनेश जी की फिल्म है, खेसारी की फिल्म है, पवन की है, हर एक के साथ। इवन मैं कुछ कुछ फिल्में ऐसी कर रहा हूँ कि जिन्होंने पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कुछ, तो ऐसा नहीं है, सबके साथ इतनी लगन के साथ काम कर रहा हूँ और चलता रहेगा ये सिलसिला। सिनेमा को लेकर क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? तो मेरी थोड़ी शिकायत है, ऐसा नहीं है, हम लोग हमारे प्रोड्यूसर्स हमारे डायरेक्टर हमारे एक्टर उनको हम फट से दोष दे देते हैं, लेकिन जब भी वो कोशिश करते हैं कि लीक से हट के थोड़ी अच्छी फिल्म बनाए या अच्छा मेकिंग हो, तो उनको भी चाहिए कि अच्छी फिल्म देखें। एक ही जैसी फिल्म वो देखते चले जाएंगे, एक ही सिंगर को सुनते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको भी दूसरे भाषा भाषी सिनेमा के जैसे होता है कि कोई नया आया है तो उसको भर भर के जाए और लोग देखें। जब तक उनका प्रतिसाद नहीं मिलेगा, उनका फीडबैक नहीं मिलेगा, तब तक प्रोड्यूसर बनाने में भी डरेगा, फाइनेंसर, देखिए बहुत पैसा लगता है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा और हाथ जोड़ के, ऐसे हाथ जोड़ के कि प्लीज़ कोई नए एक्टर की फिल्म आती है उनको ज़रूर देखिए, जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तब तक वो सक्सेस नहीं हो सकते, डायरेक्टर भी नहीं प्रोड्यूसर भी नहीं। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।